सिलीगुड़ी नगर निगम के 42 नंबर वार्ड जो सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्थित एक टीन के गोदाम में रात को भयानक आग लगी और इस आगजनी की घटना में नुकसान का अनुमान नहीं हो पाया। वहीं इस घटना को लेकर कुछ समय के लिए इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार उस इलाके में सरपल्ली जो भक्ति नगर थाने के पीछे है वहाँ पर एक टीन के गोदाम के अंदर से लोगों को काला धुआं निकलता हुआ दिखा और इसके बाद स्थानीय लोगों ने दमकल को खबर दी। घटना की खबर मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और तीन इंजन मौके पर पहुंचे जहां आग बुझाने के काम पर लग गए। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में करीब आधे घंटे का समय से भी ज्यादा लगा और आग गोदाम के अंदर भयानक रूप ले चुकी थी जिस पर पहले ही दमकल कर्मियों ने पूरी तरह से काबू पा लिया। घटना में कितने रुपए का नुकसान हुआ उसका अनुमान नहीं लगाया है, परंतु प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है कि टीम के गोदाम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरा की मशीन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। दमकल कर्मी की टीम आग लगने के कारणों से पता लगा रही है। वहीं आगजनी की घटना में किसी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। দশ পনেরো মিনিট পরে লাগানোর পর 10 মিনিট পরে তখন আমি আসে ওই বালতি দিয়ে ফুটা দিয়ে জল মারে মেরে একটু নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসলাম। আমি আমার পাও কাটে গেছে, তারপরে মালিক আসলো, তালা খুললো, তারপরে যাই ওই যেখানে আগুন লাগছে ওখানে আগুনের মধ্যে জল ঢেলে দিলাম, আগুন নেমে গেল মোটামুটি। হ্যাঁ, তারপরে ফায়ার ব্রিগেড আসলো। কয়টা দমকল এসেছিল? তিনটা। এখন আগুন নিয়ন্ত্রণে আছে? হ্যাঁ, নিয়ন্ত্রণে নেমে গেছে। বড় কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়নি? না, বড় কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এখন নিয়ন্ত্রণে আছে? হ্যাঁ, নিয়ন্ত্রণ মানে আগুনটা নেমে গেছে। আপনি এখানে কাজ করেন স্থানীয়? না না, আমি এখানে স্থানীয় পাশের বাড়িতে আছি, পাশের বাড়িতে। কি নাম আপনার? আমার নাম ভীম রায়।